सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 और सुबह का चाय भाई साहब से शुरू हो रही है। तो सुबह के जो चाय है भाई साहब ने पिलाई है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। तो आज का यात्रा अब हम यहां से ही शुरू करते हैं, चाय पीने के बाद हम यात्रा शुरू करेंगे। सो गाइस, सब सुबह का नज़ारा देख सकते हैं, सूरज उग गया है और ये हम केदारनाथ जा रहे हैं भैया। हाँ उधर रुके थे। तो गाइस सुबह हम यहाँ से राजगंज से अभी निकलते हुए जा रहे हैं अभी, और चारों तरफ कितना देख सकते हो अभी कचरा पड़ा हुआ है। तो आप लोगों से यही बातें बोलता हूँ कि आप साफ़ सफाई करके रखिए, तो अपने जैसे ही रही। सो गाइस, आज डेट है 21 सितंबर 2022 साल और सुबह का अभी 7:30 बज रहे हैं। हम निकल चुके हैं हमारा साइकिल लेके केदारनाथ यात्रा के उद्देश्य में। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे वाराणसी दिखा रहा है 390 किलोमीटर। तो हम कोशिश करेंगे कि कितना जल्दी पहुँच पाए वाराणसी। आप लोग कैसे हो ये भी कमेंट करके बताना गाइस। और मैं तो फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा मेरे को। तो अभी फ़िलहाल साइकिल चलाते हुए मैं जा रहा हूँ। सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं, सामने का पहाड़ कैसे दिख रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको, नहीं तो अभी थोड़ा सा धूप निकलने के बाद अच्छा दिखेगा आपको, देख सकते हैं आप। कच्चा कच्चा दिख रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है। तो पेट भरेंगे तो और भी ताकत मिलेंगी शरीर को और हम साइकिल को भागा पाएंगे। ये वाला एरिया कैसा है और क्या वरना पहाड़ बोला ये पारसनाथ पहाड़, पारसनाथ। तो ये गाइस ये जो पहाड़ है पारसनाथ पहाड़ है, ये झारखंड का है, ये झारखंड का पारसनाथ पहाड़ है, देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत है। और आगे को पहाड़ बहुत दिख रहा है लेकिन जो मौसम की वजह से दिख नहीं रहा है, बहुत ऊँचा ऊँचा आगे को थोड़ा पहाड़ है। सो गाइस हम थोड़ा सा इधर को रुके थे, जो जिधर को थोड़ा सा पीछे आया और ये भैया ने मेरे को बुलाया है चाय पानी पिलाने के लिए, चाय और बिस्किट पिलाने के लिए। तो अभी हम चाय बिस्किट पी लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से इधर की तरफ निकल जाएंगे। ये झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ है पारसनाथ पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है। ये फॉग के कारण दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं जो आँखों से दिख रहा हूँ बहुत बड़ा है। ये झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ है पारसनाथ, और हम वहाँ पर भाई का साथ मिल के तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक आगे आ चुके हैं। और यहाँ पर एक ढलान है, देख सकते हैं ढलान से नीचे जाते हुए हम, और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हुए। सो गाइस आप नज़ारा देख सकते हो कितना खूबसूरत है। सो गाइस अभी पहाड़ को छोड़ते हुए हम जा रहे हैं आगे की तरफ। पहाड़ को हमने छोड़ दिया, क्रॉस कर दिया पहाड़ को। तो पहाड़ को क्रॉस करने में तकरीबन हमें 1-1.5 घंटा लग चुका है। हम तकरीबन 20 किलोमीटर तक आ चुके हैं अभी इस टाइम को। व्यू देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है, एकदम खूबसूरत सा, और ढलान से हो तो ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं।
ये सामने को ये झोपड़ी देखने को मिला और ये झोपड़ी पे मैंने थोड़ा आराम करने के लिए बैठा। और ये एप्पल जो है वो कल भाई साहब ने दिया था, वो एक दो केला दिया था और एक एप्पल दिया था, दो केला तो मैंने खा लिया था और एप्पल रखा हुआ था, अभी खा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा खा के एप्पल और पानी पी के फिर हम निकल जाएंगे आगे की तरफ। तो थोड़ा सा बैठते हैं, आराम करते हैं, फिर निकलते हैं। अभी तकरीबन गाइस बहुत से दूर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं लोकेशन कैसा है, पहाड़ माउंटेन दिख रहा है, बड़े बड़े सामने को दिख रहेगा भाई साहब आपको। तो गाइस कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये भैया का दुकान दिखा, गन्ने का जूस पी रहा हूँ अभी बैठ के, और ये गन्ने का जूस अभी 20 रुपये का है, तो पहले फटाफट पी लेते हैं उसके बाद हम आगे निकल जाते हैं। तो गाइस अभी पहाड़ का चोटी देख सकते हैं और वहाँ पर साइकिल को रखा और मैं ये ढाबा से खाना मंगवाया है। तो गाइस अभी देख सकते हैं खाना आ गया और भाई साहब ये हम नहीं खाएंगे, ये ले लीजिए, ये नहीं खाएंगे, ठीक है। हाँ खीरा दे दो आप। तो गाइस आ गया दाल, आ गया आलू का फ्राई, आ गया और ये बैगन आलू का कुछ भरता आ गया, खीरा है, चटनी है। तो हम चलते हैं पहले खाना खा लेते हैं आराम से। रास्ते से आते हुए हम यहाँ पे मोड़ पे आके पहुँचे हैं और यहाँ से ये रास्ते से जाते हुए बागुदर अभी तक 6 किलोमीटर। सो गाइस वहाँ पे हम 1 बजे को घुसे थे खाना खाने को, वहाँ पे खाना खाने के बाद हम 3 बजे तक रेस्ट किया, 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम 3 बजे चल पड़े हैं और बागुदर छोड़ के हम आगे को निकलते हुए जा रहे हैं। अभी देख सकते हो आगे का व्यू कैसा है। तो अभी हम तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब साइकिल चला चुके हैं 45 मिनट में। तो अभी देख सकते हैं क्या सुंदर व्यू है भाई साहब। तो आगे को एक चढ़ाई भी है, देखते हैं हम चढ़ाई को चढ़ पाते हैं क्या नहीं। और हम अभी तक आ चुके हैं, तकरीबन 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है मैंने सुबह से। तो अभी और कितना कर पाते देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी थोड़ा सा आगे आ चुके हैं हम और एक मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अभी, देखते हैं 7-8 किलोमीटर दूरी पे अभी बोल रहे हैं मंदिर है सूरज कुंड नाम के, झारखंड का बहुत फेमस मंदिर है, तो हम वहाँ तक जाने का कोशिश करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है शाम का 5 बजने को, कुछ बाकी है थोड़ा सा 15-20 मिनट तक, हम 6 बजे के अंदर घुसने का कोशिश करेंगे। और साइकिल को सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भगाए हम। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितना पहाड़ है, हम पहाड़ों से होते हुए जा रहे हैं अभी और शाम के अभी 5 पार हो चुके हैं और हम निकलते हुए जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो और थोड़ा सा बाकी है, हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक आ चुके हैं। सिटी रोड छोड़ के ये वाला रास्ते पे आए हैं अभी सूरज कुंड जाने के लिए, रात को रात गुजारने के लिए। सामने को शायद सूरज कुंड दिख रहा है हमको और नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ का पहाड़ी पहाड़ है एकदम से। एक साथ कितने सारे नंदी को देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी। हेलो सूरज कुंड ये वाला मंदिर, और ये सामने को गेट है और यहाँ से हम अंदर को जाएंगे, बातें करेंगे क्या है नहीं है, देखेंगे कुछ टच करेंगे कुछ होता है कि नहीं होता है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कैसा है और सामने को पहाड़ दिख रहा है।
और मैं जो हूँ वो आगे साइकिल वहाँ पे लगाया है, और वो जो खटिया पड़ा है वहाँ पे वो जगह पे हम सोएंगे रात को। और अभी बारिश आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, बारिश भी गिर रहा है थोड़ा बहुत। वैसे यहाँ पे हम अकेले हो जाएंगे बोल के वो जगह पे एक जगह है वहाँ पे रहने के लिए बोल रहे हैं मेरे को, तो वहाँ पे चलते हैं साइकिल लेके और वहाँ पे साइकिल अंदर घुसा के हम रह जाते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और हमको ये जगह मिल गया है रहने के लिए। और वो सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पे सूरज कुंड है, वो जगह पे गर्म पानी निकलता है। और हम जो रुके हैं ये देख सकते हैं पूरा पहाड़ दिख रहा है यहाँ से, और ऐसी जगह पे हम रुके हैं। और ये अंकल लोग बैठे हैं, इनको पूछे थे तो ये जगह हमको बताया है रखने रहने के लिए, तो यहाँ पे आज रात को गुजार लेंगे हम। तो चलते हैं, आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह और एक नया वाला रास्ते पे नया वाला ब्लॉग के साथ। तो लेट्स गो।